हमेशा गुलजार रहने वाला सचिवालय की हालत आप देखेंगे तो शायद डरावनी स्थिति है। सचिवालय की हालत अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि आखिर हुआ तो क्या हुआ और हालात ऐसे कैसे हुए। राज्य में संक्रमण बेतहाशा बढ़ रहा है, कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत ख़राब है। 12,000 केस कल पूरे राज्य में मिले, 3,000 अकेले पटना में मिला और हालत इतनी ख़राब है कि सचिवालय में वीरानगी छाई हुई है। जहां सचिवालय में गेट्स पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रहती थी अंदर जाने के लिए बाहर निकलने के लिए, वहां 15 से 20 मिनट में एक गाड़ियां आ रही हैं, बमुश्किल से आ जा रही हैं। ये असर है संक्रमण का। पटना सचिवालय में कई ऐसे विभाग हैं जहाँ संक्रमण की हालत बहुत ख़राब है। कई विभाग हैं, गृह विभाग हैं, कई ऐसे विभाग हैं, खाद्य आपूर्ति विभाग हैं, राजस्व भूमि सुधार विभाग हैं, सभी जगह संक्रमण की स्थिति खराब है। 33% लोगों को आना जरूर है, उसमें भी लोग नहीं आ रहे हैं इसलिए कि वो संक्रमित हैं और बिल्कुल पूरा सचिवालय खाली है। गाड़ियों पार्किंग में गाड़ियाँ नहीं हैं, अधिकारी संक्रमित हैं, कर्मचारी संक्रमित हैं, फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी संक्रमित हैं और हालात काफ़ी ख़राब है। जैसे जैसे सचिवालय का काम हो रहा है, ग्राउंड जीरो से हम ये बताने जा रहे हैं कि आखिर सचिवालय में हालात इतने ख़राब हुए। फिलहाल ये पूरी स्थिति अभी बनी रहेगी क्योंकि संक्रमण की हालत बहुत ख़राब है। लोग ठीक हो रहे हैं तो आके ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन दूसरे लोग फिर पॉजिटिव हो जा रहे हैं। सचिवालय में कोरोना टेस्ट कराया भी जा रहा है, कई लोग कोरोना पॉजिटिव बहुत सारे लोग निकले हैं, जो निगेटिव हैं वो काम कर रहे हैं। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक परेशान है, संक्रमण की हालत बहुत ख़राब है। पुलिसकर्मी संक्रमित है, फिलहाल वीरानगी के बीच ग्राउंड जीरो से हम बता रहे हैं कि संक्रमण ने आखिर बिहार सचिवालय की हालत ऐसी क्यों कर दी। कोई भी मंत्री अपने कक्ष में नहीं बैठ रहा है, सभी लोग घर से ही काम कर रहे हैं। अधिकारी आ रहे हैं, हालांकि वही अधिकारी आ रहे हैं जो संक्रमित हैं, जो अधिकारी हैं संक्रमित हैं वो अपना इलाज करा रहे हैं होम आइसोलेशन में या इलाज या कह सकते हैं हॉस्पिटल में। तो ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे थे कि आखिर सचिवालय की हालत इतनी डरावनी क्यों है, आखिर सचिवालय खाली क्यों है, सचिवालय सन्नाटा क्यों है। यह